अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो एक छोटा सा शॉपिंग हॉल है। कुछ टाइम पहले मैंने पाकिस्तान से जो है वो कुछ ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही शेयर कर लूँ, क्योंकि जब से मैंने ऑर्डर किए हैं ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको भी दिखा लेती हूँ, ताकि कुछ ड्रेस के जो है वो आइडियाज़ भी आपको मिल जाएँ और एक छोटा सा जो है वो हॉल भी हो जाएगा शॉपिंग का। तो जो सबसे पहला ड्रेस है ये है, 3 पीस स्टिच्ड हैं सारे, और ये मैंने लिया था जे डॉट से। और जो इसकी नेक लाइन है ये बिल्कुल सिंपल है, राउंड और छोटा सा इसके नीचे कट है, और उसके बाद इसके पूरा जो गला है ना उस पर एम्ब्रॉयड्री हुई है ग्रीन और वाइट कलर में, और काफ़ी नीचे तक जो है वो ये जा रही है एम्ब्रॉयड्री, तकरीबन पूरा जो है ना फ्रंट। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, थोड़ी सी शाइनी से जो धागा होता है उसकी ये एम्ब्रॉयड्री हुई है। और कमीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिंटेड है, शर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रिंट है, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, तो इसलिए मैंने आपको पास से दिखाती है। और उसके बाद जो इसके स्लीव्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और सामने ऐसे छोटी सी जो है ना वो बारीक सी लेस लगी हुई है ऑरेंज कलर में, और बाकी जो बाजू हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं स्ट्रेट। और इसका जो प्रिंट है वो बहुत प्यारा है और फुल प्रिंटेड है ये। और ये जो स्टफ़ है ये ना तो लॉन है ना कॉटन है, कुछ मिक्स सा जो है ना वो स्टफ़ है, लेकिन लॉन में ही आता है क्योंकि यहाँ पे तो मौसम जो है ना वो सारा साल एक जैसा ही रहता है, गर्मी होती है, तो इसीलिए मैं जो है ना वो यही वाले जो है ना वो कपड़े लेती हूँ लॉन में ही, क्योंकि ये सारा साल यहाँ पे यही चलते हैं। और उसके बाद इसके साइड पे जो है ना वो अलग से कपड़ा लगा हुआ है, दो जो है ना वो साइड पर अलग से पैनल्स हैं डिफरेंट थोड़े से प्रिंट में, और इसके चारों तरफ नीचे भी जो है वैसे ही ऑरेंज कलर की लेस है जैसे बाजुओं पे लगी हुई है, और ये आगे और पीछे पूरे जो है ना वो चौक पर भी है और नीचे दामन पे भी है, और इसका थोड़ा सा जो है ना वो फ्लेयर भी है, तो इसी स्क्वायर शेप में इसके जो है ना वो कट है, और इस तरह से इसका फ्लेयर है नीचे। और ये जो है वो लॉन्ग शर्ट है, तकरीबन आपके घुटनों से भी जो है ना वो नीचे जाती है, और स्मॉल साइज़ था। और उसके बाद इसके साथ जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र है, इस तरह से आई थिंक क्रीम कलर है या कुछ लाइट सा कलर है, क्योंकि शर्ट बहुत ज़्यादा प्रिंटेड है तो इसीलिए ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल एक कलर में। और इसके साथ का जो दुपट्टा है वो भी शिफॉन में है और बिल्कुल सिंपल सा है इस तरह से प्रिंटेड। तो ये है फर्स्ट सूट जो कि मैंने जे डॉट से ऑर्डर किया था और ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, और उनके कपड़े मुझे पसंद है, मैं पहनती हूँ पहले भी, और जब पाकिस्तान में थी तो मैंने वहाँ से जाके परचेज़ किए थे स्टोर से, लेकिन अब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए हैं। ये जो है ये सेकंड ड्रेस है, और ये था 2 पीस, इसमें शर्ट है और इसके साथ जो है ना वो इसका ट्राउज़र है। तो पहले मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ, ब्लैक कलर में है और इस तरह से इसकी बैंड बनी हुई है, और नीचे पूरी जो है ना वो एक छोटी सी बारीक सी पट्टी लगी हुई है एक अलग से जो है वो डिज़ाइन में वाइट कलर में। और जो ये कपड़ा है काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बारीक होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉन से भी काफ़ी ज़्यादा बारीक है। और इस तरह से इसके बाजू हैं, आगे जो है वो इस तरह का प्रिंट है और बिल्कुल स्ट्रेट बाजू हैं। तो ये जो है वो शर्ट ऊपर से इस तरह से, और इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, घुटनों तक आएगी, और जो इसके चौक हैं उन पे इस तरह से बिल्कुल बारीक सी ब्लैक कलर में डोरी लगी हुई है बहुत पास से, अगर आपको मैं दिखाऊंगी तो आपको नज़र आएगी, दूर से इतनी ज़्यादा ये प्रोमिनेंट नहीं होती। और इसका जो दामन है ये अलग से, इसका डिज़ाइन इस तरह, ये अलग से पैच नहीं लगा हुआ, ये प्रिंट ही ऐसा है इस तरह से ये प्रिंटेड है। और ये जो है वो सिंपल सी शर्ट है ब्लैक कलर में, और इसके साथ आपको दिखाती हूँ, इसके साथ जो है वो शलवार है, ट्राउज़र नहीं है इसके साथ। और काफ़ी अरसे बाद मैंने जो है ना वो कोई शलवार वाला सूट लिया है, क्योंकि इससे पहले सारे ट्राउज़र्स ही थे, और इसकी शलवार का कपड़ा बहुत अच्छा है, काफ़ी मोटा कपड़ा है, और इस तरह से करीब से क्रीम कलर जो है वो शलवार का, और नीचे इसके भी सेम वही वाला जो है वो डिज़ाइन है, और जो भी प्रिंटेड है अलग से, इन्होंने पैच नहीं लगाया हुआ, ये प्रिंट ही जो है वो ऐसा है। तो ये जो है वो फुल सूट हो गया 2 पीस, और ये भी लॉन स्टफ़ में ही था और कुछ टाइम पहले मैंने ऑर्डर किए थे। और उसके साथ जो मैंने दुपट्टा मैच करना था, पहले मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल प्लेन ब्लैक कर लूँगी, लेकिन अब जो मैंने इसके साथ किया है ना, वही मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, ऊपर से ये नेट में है, और इसके नीचे इस तरह से अगर कैमरा कैच करे तो
कपड़ा लगा हुआ अलग से ऐसे शाइनिंग सा, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ये वाला दुपट्टा मैच कर लेती हूँ, वरना आप सिंपल ब्लैक जो शिफॉन का होता है वो भी मैच कर सकते हैं, उसके चारों साइड पे कोई लेस भी लगवा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस तरह से इसको मैच करना है। तो मेरे पास ये दुपट्टा पड़ा हुआ था घर में, तो मैंने इसका ये मैच कर लिया और ये हमारा जो सेकेंड ड्रेस है वो कम्प्लीट हो गया। और उसके बाद ये है थर्ड, और ये भी जो है वो टू पीस ही है, इसके साथ भी ट्राउज़र है और शर्ट है। तो ओवरऑल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लॉन्ग शर्ट है, घुटनों से काफ़ी नीचे जाती है, और इसका जो नेक लाइन है वो बिल्कुल राउंड में है, और इसके ऊपर भी जो है ना वैसे वाइट कलर की डोरी सी लगी हुई है, और नीचे इस तरह से जो है वो ये भी एक तरह से डोरी ही है पिंक कलर में वो लगी हुई है। और बाकी जो सूट है वो बिल्कुल सिंपल है प्रिंटेड, और नीचे जो है वो इसके प्रिंट ऐसा वाला है। पहले पहले इस तरह के प्रिंट काफ़ी जो थे ना वो फैशन में थे, उसके बाद चले गए थे, अब दोबारा से इसका ये प्रिंट है। और ये जो है इसके चौक हैं उन पे भी अगेन वही वाली वाइट कलर की डोरी लगी हुई है आगे पीछे से, और बहुत बारीक बारीक है। आपको अगर क्लोज में दिखाएं तो पता चलता है, वैसे दूर से पता नहीं चलता, लेकिन ये भी अच्छी लगती हैं। और ये जो है वो इसका दामन है, और इस तरह का जो है ना वो नीचे से प्रिंट है, और ये भी जो है वो समर स्टफ़ है लेकिन लॉन से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना ये बारीक कपड़ा है। तो इस तरह से ये शर्ट है, और ये इसका नीचे से जो है वो प्रिंट है, और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी स्लीव्स। स्लीव्स जो है वो इसकी थोड़ी सी जो है ना वो स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, और उसके बाद आगे इनके भी वही सेम लगी हुई है वाइट कलर की डोरी, और इस तरह से स्लीव्स हैं, जब पहनते हैं तो इस तरह से जो है ना वो शोल्डर के ऊपर ये डिज़ाइन आता है, और काफ़ी लॉन्ग इसकी जो है ना वो स्लीव्स हैं, आपके हाथ तक आएंगी। और इसके साथ का जो ट्राउज़र है वो इस तरह के प्रिंट में है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है शर्ट से, बिल्कुल डिफरेंट कलर है, तो शर्ट और जो ट्राउज़र है ना वो काफ़ी अच्छा और साथ प्रोमिनेंट लगते हैं अलग अलग से, और ट्राउज़र का कपड़ा इसका अच्छा है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना वो ट्राउज़र है। कलर इसका आई थिंक कुछ ग्रीन सा या लाइट ग्रीन कर लें, इस तरह से कलर है इसका। तो ये था थर्ड पूरा सूट, और इसके साथ जो मैंने दुपट्टा मैच किया ये अगेन मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से किस सूट के साथ, तो ये मैंने इसका दुपट्टा मैच कर लिया। ये पिंक कलर में भी नहीं है, थोड़ा सा जो है ना वो मिक्स सा कुछ कलर है, और ये इसके साथ जो है ना वो मैच हो रहा था, किसी हद तक मैच हो गया था इस तरह से, तो ये मैंने इसके साथ मैच कर लिया। आप कोई भी कलर इसके साथ मैच कर सकते हैं, दो या तीन कलर का दुपट्टा भी आप ले सकते हैं इसके साथ, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद ये है फोर्थ, तो जो लास्ट टू ड्रेस है ना ये मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ से ऑर्डर किए थे, और फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किए हैं, पहले मैंने कभी यहाँ से लिए नहीं। तो इसका स्टफ भी अच्छा था, इस तरह से जो है इसकी नेक लाइन बनी हुई है, आगे इसके बटन लगे हुए हैं जैसे काज वाले बटन होते थे जो कुर्तों पर लगाते हैं वैसे। और इस पेज का नाम मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है लेमन टार्ट, इंस्टाग्राम पे पेज है, और इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हैं और टू पीस में अवेलेबल हैं। और इस तरह से इसके ऊपर ये जो है वो ब्लैक कलर के फूल बने हुए हैं, थोड़ा सा इनका जो कलर था वो फेड हो गया था जब मैंने धोया था इसको फर्स्ट टाइम, और उसके बाद यहाँ पे इसकी एक जो है वो पॉकेट है। तो ओवरऑल जो कपड़ा है ये अच्छा है, स्टफ़ इसका अच्छा है, इसकी स्टिचिंग भी अच्छी है, और इसकी इनकी प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 1900 थी या 2100 थी। और जो इसका दामन है वो इस तरह से गोल सा है, और ये काफ़ी लॉन्ग शर्ट है और बिल्कुल स्ट्रेट कट में है, जैसे लंबी होती है बिल्कुल, और जो इसके बाजू हैं वो भी बिल्कुल सिंपल हैं, ऐसे आप कोहनी तक आते हैं, और बिल्कुल सिंपल इसके बाजू हैं। तो ओवरऑल ये कपड़ा अच्छा है, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था तो मुझे नहीं पता था कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी इसकी प्राइस के लिहाज से। और इसके साथ जो है वो प्लाजो है, क्योंकि शर्ट लंबी है काफ़ी और जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट कट है, तो इस ऐसी शर्ट्स के साथ प्लाजोज अच्छे लगते हैं, और ये प्लाजो है इसका, डॉट्स हैं ब्लैक, और इसका जो कपड़ा है वो अच्छा है, इतना ज़्यादा बारीक नहीं है, और ये लॉन में ही है लेकिन बिल्कुल पतला नहीं है, थोड़ा सा अच्छा कपड़ा है इसका, कॉटन और लॉन मिक्स है। तो ये जो है वो ओवरऑल टू पीस ड्रेस है, और इनके पास सारे टू पीस में ही हैं, और जो अनस्टिच्ड हैं वो थ्री पीस में अवेलेबल हैं, आपको दुपट्टा उसके साथ मिल जाएगा। और ये दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से ही एक सूट के साथ का,
सूट तो पुराना हो गया था लेकिन दुपट्टा जो है वो नया ही रहा था, तो मैंने इसके साथ ये मैच की है। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ बिल्कुल सिंपल ब्लैक दुपट्टा लूँगी, लेकिन क्योंकि जो ड्रेस है वो बिल्कुल सिंपल है तो इसीलिए मैंने इसके साथ जो है वो ये वाला दुपट्टा मैच किया। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल येलो और ब्लैक मिक्स हो रहा है। तो अगर आपका सूट सिंपल हो तो आप उसके साथ जो दुपट्टा है ना वो प्रिंटेड ले सकते हैं, तो जो ओवरऑल सूट की लुक होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। अदरवाइज आप इसके साथ प्लेन ब्लैक भी ले सकते हैं। और ये है लास्ट, पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था, मैंने स्मॉल में ऑर्डर किया था और ये मीडियम में था, और ऊपर से ये लेंथ भी इसकी बहुत ज़्यादा है। पर फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये भी वही सिंपल पे वही वाला सेम पेज है, और इसकी जो नेक लाइन है वो बिल्कुल सिंपल है, और ये इसके नीचे चुनटे हैं फ्रॉक की, वाइट कलर के इस पर डॉट्स हैं, और जो इसकी बाजू हैं उन पर इस तरह से वाइट कलर की लेस लगी हुई है। और जब आप इस तरह के पेजेस से जब कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसमें ये रिस्क होता है कि साइज़ सेम आएगा या नहीं आएगा। मैंने 4 सूट ऑर्डर किए थे, उन्होंने मुझे सिर्फ 2 सेंड किए हैं, 2 नहीं किए, और एक स्मॉल में किया है लेकिन दूसरा साइज़ जो था वो मीडियम में कर दिया। लेंथ में ये काफ़ी बड़ा है लेकिन इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा है। जब आप पहनते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और इसकी प्राइस थी आई थिंक 2100, तो उस लिहाज से जो है वो स्टफ़ काफ़ी ज़्यादा इसका बेहतर है। और इसके साथ में जो है वो ट्राउज़र भी था, तो ये 2 पीस था, और ट्राउज़र जो है वो वाइट कलर का है इसके साथ, और नीचे इसके जो है वो इस तरह से लेस लगी हुई है, सेम वही जो बाजुओं पे लगी हुई है वही, तो एक प्रॉपर उन्होंने मैचिंग की। और ट्राउज़र का भी स्टफ़ अच्छा है। ओवरऑल इसकी क्वालिटी जो है वो दोनों सूट की जो है वो अच्छी थी। तो ये देखें बाजू और ट्राउज़र पे सेम लेस है, और इसके साथ मेरे पास जो है वो सिंपल वाइट क्रश दुपट्टा पड़ा हुआ था वो मैंने मैच किया। ये बिल्कुल सिंपल जो है वो ऑप्शन है, इससे अच्छा ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, आप बड़ा सा जो है ना वो शिफॉन का वाइट दुपट्टा लेके उसके चारों साइड पे कोई अच्छी सी लेस लगवा सकते हैं, या फिर आप 2 कलर में भी दुपट्टा ले सकते हैं, ब्राउन और वाइट, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि उससे सूट जो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये थी इस ओवरऑल लुक सूट की, और ये 5 ड्रेसेस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन ड्रेसेस से आपको कुछ अच्छा आइडिया मिला हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगली आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।